इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सी ये जर्नी का इतना क्रूशल पार्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है। प्लस जिनको ये पता है तो उनको ये नहीं पता कि भाई अप्लाई कैसे करें। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे होते हैं एंड क्यों उसे करना चाहिए, एंड उसमें मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि एक गैप है बिटवीन इंडस्ट्री एंड सीए आर्टिकल्स, कि सीए आर्टिकल कहता है कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलती, एंड वहां पे इंडस्ट्री से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई आर्टिकल्स नहीं मिलते। इसका सोल्यूशन यही है कि आप सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करो, एंड इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या होती है, उसका क्या ड्यूरेशन होता है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट इज ICI's ओन प्लेटफॉर्म। बढ़िया बात यह है कि ICI ने एक सेपरेट साइट बनाई हुई है फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जब तुम इस साइट पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा एंड रजिस्टर का ऑप्शन। इसके FAQ के सेक्शन में क्लियरली मेंशनड है कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा डेटा SSP पोर्टल से डायरेक्टली ले लेगा। ICI का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप लॉगिन करते हो तो वहां पे तुम सर्च कर सकते हो कि कहां कहां पे वैकेंसीज अवेलेबल है, एंड वैकेंसी मिलने पे अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम वहां पे अप्लाई करोगे। अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम ही वहां पे अप्लाई कर रहे हो, और भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड शॉर्टलिस्ट होने के बाद तुम्हें आती है एक इंटरव्यू रिक्वेस्ट। और अगर तुम्हारा इंटरव्यू सही से निकल जाता है, सब कुछ सही निपट जाता है, तो इंटरव्यू के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। एंड वहां पे तुम रीजन वाइज भी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर्पसेस। सेकंड इज लिंक्डइन। अब आर्टिकलशिप की बात हो रही हो और लिंक्डइन को नाम मेंशन किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्या करो कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ एंड वहां पे सर्च बार में सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डालो। सर्च करने के बाद दो चीजें होती हैं, जो यहाँ पे पीपल टैब है वहां पे तुम्हें ज्यादातर वो लोग दिखेंगे जो ऑलरेडी सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड जब पोस्ट टैब पे जाओगे तो वहां पे ज्यादातर तुम्हें वैकेंसी पोस्ट दिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके निकल आते हैं। पहला तो ये है कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उन लोगों से कनेक्ट करें, उनसे बात करें कि क्या वो हमें रेफर कर देंगे या नहीं, एंड दूसरा तरीका ये है कि जो वैकेंसी पोस्ट है हम उनके लिए अप्लाई करें। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन लोगों से कनेक्ट करो एंड आस्क देम कि इन लोगों ने सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे करी एंड सी हाउ दे कैन हेल्प यू। अब इस मैसेज को कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या लिखना है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में मैंने नॉर्मल सीए आर्टिकलशिप के हिसाब से बताया था, बट उसे तुम मॉडिफाई करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार वो देखना एंड उसके बाद ये ड्राफ्ट करना। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे अप्रोच करना है उन लोगों को जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं वैकेंसी पोस्ट का। वैकेंसी पोस्ट में होता यह है कि जिस कंपनी में वैकेंसी है फॉर सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो वहां का HR का पर्सन या किसी और डिपार्टमेंट का इंसान अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर देता है कि भाई कंपनी में ऐसे ऐसे वैकेंसी है, एंड उसी पोस्ट में वो ये भी बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे भी उनके रिक्वायर्ड स्टेप्स होंगे तो आप उस हिसाब से कर देना। एंड बढ़िया बात यह है कि लिंक्डइन पे कुछ ऐसे पेजेस भी हैं जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हैं टू सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो तुम उनका पार्ट भी बन सकते हो सो दैट तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे अबाउट वैकेंसीज। थर्ड इज जॉब पोर्टल्स। आई एम श्योर तुमने Naukri.com, Monster.com या Glassdoor का नाम सुना होगा। कंपनीज अपनी वैकेंसीज इन जॉब पोर्टल्स पे भी पोस्ट करती हैं, तो तुम्हें वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे सीए आर्टिकलशिप में इन जॉब पोर्टल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ये जॉब पोर्टल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फोर्थ इज रेफरेंस। अब सीधी सी बात है, अगर रेफरेंस है तो फिर क्या नहीं हो सकता। इंडस्ट्री में रेफरेंस लगाना इज मच लेस डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अ सीए फर्म, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ज्यादा लोग काम करते हैं, सो यू आर लाइकली टू फाइंड अ पर्सन जो इंडस्ट्री में काम करता हो एज कम्पेयर टू अ सीए फर्म। तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में देखना कि कौन कौन इंडस्ट्री में काम करता है, बट मेक श्योर कि जिस भी कंपनी में वो है जहां पे आप अपनी रेफरेंस लगवा रहे हो, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो विद ICI फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने रेफरेंस लगवा दी एंड तुमने ज्वाइन कर लिया एंड तुम्हें पता चला कि भाई वो कंपनी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। एंड ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो याद करो मैंने app.ici.org आपको बताया था, वहां पे आप सर्च में जाके चेक कर सकते हो कि कंपनी एलिजिबल है या नहीं। बस रेफरेंस लगाते हुए उस चीज का ध्यान रखना। बाकी आई एम अज्यूमिंग कि आपकी रेफरेंस नहीं होगी, बिकॉज अगर रेफरेंस होती तो तुम शायद ये वीडियो नहीं देख रहे होते। फिफ्थ इज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स।
आई थिंक ये तो सारे स्टूडेंट्स को ही पता होता है कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोट्स मिलते हैं एंड रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। बट ऐसे भी टेलीग्राम ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे सिर्फ सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात होती है। सो उन ग्रुप्स को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो जो रेगुलर अपडेट्स देते हैं अबाउट सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसीज। एंड दूसरी बढ़िया बात ये होती है कि ऐसे ग्रुप्स में आपको कुछ ऐसे मेंबर्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो कि भाई उनने कैसे अप्लाई करा था एंड वो कैसे तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। तो ये थे 5 दरवाजे जिनके थ्रू तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा सकते हो एंड आई एम श्योर कि इन 5 में से कोई ना कोई दरवाजा तो जरूर खुलेगा। सो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आया हो कि कैसे अप्लाई करना है एंड वो जो गैप है बिटवीन इंडस्ट्री एंड सीए आर्टिकल्स उसका एडवांटेज कैसे लेना है। सो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।